मुझे पुलिस ऑफिसर बनाया है। मैं तो इतना सोचती थी किस वर्दी को पहन करके मैं दुनिया का नाम रोशन करूंगी, अपने देश के लिए मरूंगी और अपने देश के लिए लड़ूंगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कारण था आज क्या हुआ। मैं जिस कानून के लिए अपनी जान की कुर्बानी करती हुई आई आज उसी कानून ने मुझे आज ही हथकड़ी पहना दी। वो भी झूठी इल्जाम में। ठीक है बाबा, आप कहते हो तो आज मैं समझी कि कानून अंधा होता है। और आज से मैं कसम खाती हूं कि जिन लोगों ने मुझे मजबूर किया है और मुझे इस साल में फंसाया है, तब तक मैं उन दरिंदों से बदला नहीं ले लूंगी। और पहला तो दुश्मन वो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर उसने मुझे झूठे से इल्जाम में फंसाया है, तब तक मैं उससे बदला नहीं ले लूंगी। मैं लौट कर इस थाने में तभी आऊंगी जब तक मैं उसे मार नहीं दूंगी। पहला दिन उस इंस्पेक्टर का होगा। क्योंकि आज तो बचा रही हूं लेकिन बाबा ऐसा ना हो आप पर कोई आ जाए। इससे पहले मैं आपके हाथ जोड़ती हूं कि मैं जानती हूं कि इस थाने में जहां गरीबों की नहीं सुनी जाती है अमीरों की सुनी जाती है। मेरे से जाने के बाद ये लोग कहीं ऐसा ना हो तुम पे अत्याचार ढाए, तुम पे जुर्म करें। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर करती हूँ कि आप छोड़ करके थाना कहीं और चले जाना। हाँ हाँ ओ पत्ता पत्ता बूटा बूटा जी सर, हसीना बंद है ना? जी सर, ठीक है उसे लेकर आओ। बड़ी ताज्जुब की बात हो गई। क्या ताज्जुब की बात हो गई? हसीना नहीं है, भाग गई है। हसीना भाग गई। जी सर, और लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। कैसे गई वो आखिर? कौन था ड्यूटी पर? तुम थे। तुम कहां थे उस वक्त? हवलदार हसीना जी, हसीना थाने से भागी। उस वक्त तुम कहां थे? हम तो गेट पे लगे थे। वही इधर दो ड्यूटी करते हो, सबके सब सस्पेंड कर दिए जाओगे। एक कैदी हमारी कैद से फरार और तुम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं। हम लोग हम क्या करें? हम तो उस गेट पे थे, वही लोग गेट पर ये इधर से लेकर के हम क्या करें? इसी तरह से तुम लोग नाकाम नकारापन दिखाते रहोगे और बुजुर्गों को भगाते रहोगे। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जहां भी मिले चलो उसको ढूंढते हैं। तुम लोगों की नाकारापन की वजह से हमारा ट्रांसफर हो गया यहाँ से। क्यों नहीं सर? और एसपी साहब की डांट भी खानी पड़ी। अब हमारा तबादला हो रहा है।
इसलिए इंस्पेक्टर खान को बुलाओ, हम यहाँ का चार्ज उन्हें सौंपे और हम अपनी ड्यूटी करने के लिए आगे जाएं। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ रहा है मिस्टर खान। यस, आप इस थाना रायगढ़ का चार्ज संभालिए। क्यों नहीं, अब हमारा ट्रांसफर थाना रतनगंज में हो गया है, अब मुझे वहां जाना है। इसलिए ये सारे कर्मचारी, ये मिस रेखा है, ये हवलदार शुक्ला है, और आप हैं बहादुर कोलर। बहादुर, इनसे तो मैं बहुत पहले से परिचित। परिचित, ठीक है। अब आप यहाँ का चार्ज संभालिए और हम चलते हैं। अघरनाथ शुक्ला, तो अघरनाथ शुक्ला ये बताओ, कितने दिन से ड्यूटी करते हो थाने में? बहुत दिन से करे थे। लगभग कितने दिन हो गए? लगभग क्या, लगभग 16 साल से करे शुरू किए, जब से अभी तक करते तो है। 16 साल से कर रहे हो? अघरनाथ शुक्ला, तुम्हारे यहाँ जुर्म पर जुर्म होते जा रहे हैं, पुलिस भी नकारा नहीं है, जितना कि तुम लोग नाम बदनाम करके रखे हो, 30 से 35 पुलिसकर्मी तुम्हारे थाने में मौजूद है। आए दिन दादा ने कितने डाका, ना जाने कितने खून, आज यहां तक के एक ईमानदार पुलिस अफसर का खून हो गया। क्या करते रहते हो? हम लोग क्या करें, सब लोग हम लोग तो पट्टे हैं, पुलिस की नौकरी करते हो, भैंस नहीं चराते हो। हवलदार, जब तक मैं यहाँ रहूंगा ड्यूटी राइट टाइम करना पड़ेगा, अगर गुस्ताखी हुई तो सदा सदा के लिए घास छोड़ो जाकर के। शुक्ला, और मेरे साथ तहकीकात पर चलते हैं, आइए।